education.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिसके सारे इसके पूरा कंसेप्ट और पूरा थ्योरी को आसानी से समझा जा सकता है। इस क्वेश्चन का उठाने का मेन मकसद था फोर्स कम्यूटेशन लोड कम्यूटेशन या फिर सेल्फ कम्यूटेशन को समझना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको लेकर के चलेंगे। सबसे पहले दिया है सोर्स वोल्टेज, यहाँ पर दिया है 230 वोल्ट। तो यहाँ पर 230 वोल्ट सोर्स वोल्टेज डीसी गिवन है। टाइम पीरियड यहाँ पर 1 मिली सेकंड है। लोड कंसिस्ट आर एल एंड सी, यहाँ पर जो लोड है वो आर एल और सी लोड है। यहाँ पर एक्सएल एक्सी का वैल्यू हम लोग को गिवन है, आर का वैल्यू भी दे दिया है। तो हम लोग को जो पता करना है वो पावर डिलीवर्ड, पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए हम लोग को फिर भी I01 का जरूरत पड़ेगा, सबसे जरूरी I01 स्क्वायर आर कर सकते हैं। उसके अलावा पता करना है कि यहाँ पर फोर्स कम्यूटेशन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो कम्यूटेशन हम लोग जान रहे हैं दो टाइप का होगा, एक पहला होगा फोर्स कम्यूटेशन और सेकेंड होगा सेल्फ कम्यूटेशन। तो सेल्फ कम्यूटेशन और फोर्स कम्यूटेशन को ठीक से समझेंगे। इसी को हम लोग लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं, ये क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो सारे कुछ इस क्वेश्चन को सोल्व करने और इस सर्किट को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जान लेते हैं जिसका हम लोग को रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ने वाला है। तो उसमें सबसे पहले है फाई, ठीक है। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। फाई का वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। यहाँ पर फाई का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक फाई लेस देन जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और दूसरा फाई ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। सिंस यहाँ पर आर एल सी लोड है, हम लोग को यहाँ पर देखना होगा कि V01 और यहाँ पर V01 क्या होगा, V01 होगा फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, एक्चुअली फंडामेंटल कंपोनेंट कहाँ से आया, एक्चुअली यहाँ पर अगर हम इस सर्किट को देखें, यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटल कंपोनेंट समझ लेते हैं V01 और I01 क्या है। उसके लिए इस सर्किट को पहले समझना होगा, तो इस सर्किट को भी देख लेते हैं हम लोग यहीं पर ही। तो यहाँ पर ए मेरा VS 230 वोल्ट गिवेन है, ये मेरा थायरिस्टर है, इसका नाम हम लोग कुछ इस टाइप से देते हैं। ये नाम देने का तरीका है, यहाँ से एक इस टाइप से क्रॉस ले लेंगे, ठीक है। ए मेरा हो जाएगा T1 और उसके बाद ए है, ए हो जाएगा T2, ए हो जाएगा T3 और ए मेरा फिर T4 है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग डायोड का भी नाम दे देते हैं। तो ए हो जाएगा डायोड करस्पॉन्डिंग सेम टू सेम होगा D1 और यहाँ पर ए D2 और ए D3 और ए D4, ए डायोड हो गया। तो जब हम यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई देंगे तो वोल्टेज सप्लाई देने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मेरा थायरिस्टर T1 ऑन होगा और यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और करंट फ्लो करते हुए फिर से इसको रिटर्न पाथ यहाँ से मिलेगा और इस तरह से इसका पूरा पाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, जब T1 और T2 से करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, T1 और T2 बिल्कुल नाम मैंने उस तरह से ही दिया है जैसे एक क्रॉस मूव कर रहा है, ठीक है, उसी तरह से करंट भी फ्लो करेगा। मतलब कि इनिशियल करंट यहाँ से इस टाइप से T1 और T2 से होकर के फ्लो करेगा, और सेकेंड में जो हाफ में जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा T3 और T4 से। कैसे वो देखते हैं, तो सबसे पहले T1 और यहाँ से इस तरह से T1 और T2। तो यहाँ पर इस केस में हम लोग देख रहे हैं अगर यहाँ पर पॉजिटिव मान करके चले तो वोल्टेज जो मेरा होगा भी आउटपुट वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज है इस आर एल सी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी लोड रहे, लोड इंडक्टिव रहे, कैपेसिटिव रहे या फिर रेजिस्टिव रहे, जो इनिशियल जो भी आउटपुट यहाँ पर जो जनरेट होगा वो इस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये जो वोल्टेज हम लोग ले रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर इस सोर्स वोल्टेज से कनेक्टेड है, ठीक है। ए पॉइंट और ए पॉइंट दोनों सोर्स वोल्टेज से कनेक्टेड है, हम लोग डायरेक्ट सोर्स वोल्टेज का आउटपुट हम लोग डायरेक्ट सोर्स वोल्टेज को उठा करके यहाँ पर रख रहे हैं। तो इनिशियल जब करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तब मेरा जो भी आउटपुट होगा वो पॉजिटिव होगा, और सेकेंड हाफ में जब मेरा T3 और T4 से करंट फ्लो करेगा, मतलब कि यहाँ से ऐसे आएगा इस टाइप से T3, ठीक है, यहाँ से T3, उसके बाद इस लोड से होते हुए T4 से होते हुए सर्किट को अपना कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर T3 T4 में
जो मेरा वोल्टेज होगा निगेटिव होगा। इस तरह से फिर यहाँ पर है टी वन टी टू और है टी थ्री टी फोर। तो ये जो मेरा वोल्टेज मिल रहा है, अगर इसको हम फोरियर सीरीज के हेल्प से सोल्व करें तो हमको इसका जितना सारा हार्मोनिक्स है, ये काफ़ी छोटे छोटे हार्मोनिक्स से मिलकर के बने होते हैं, तो सारा हार्मोनिक्स हम लोग को पता चल जाएगा। मतलब कि ये यहाँ पर हम लोग भी जीरो एन आसानी से फोरियर सीरीज के हेल्प से निकाल सकते हैं, और एन का वैल्यू अगर हम वन पुट करें तो हमको यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो फंडामेंटल वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बस इतना ही याद रखना है, यहाँ पर वन टू थ्री करके हम लोग फंडामेंटल सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हार्मोनिक्स है उस वोल्टेज को गेन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ओम मेरा होगा वी जीरो वन, और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे या फिर जेड से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ओ हमको मिलेगा आई जीरो वन। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर, दो केस हुआ, एक फाइव लेस देन जीरो, एक फाइव ग्रेटर देन जीरो। अब इस फाइव पर डिपेंड करता है वी जीरो वन और आई जीरो वन का वेव फॉर्म, क्योंकि अगर मेरा फाइव निगेटिव आता है तो मेरा जो सर्किट होगा वो लीडिंग होगा। ठीक है, लीडिंग होगा मतलब कि मेरा करंट है वोल्टेज से लीड करेगा। वोल्टेज तो हम लोग आसानी से फोरियर सीरीज का यूज करके निकाल लेंगे, वी जीरो वन तो हम लोग आसानी से फोरियर सीरीज का हेल्प करके निकाल लेंगे, और आई जीरो जेड से डिवाइड करके निकाल लेंगे। लेकिन जब वेवफॉर्म ड्रॉ करना होगा तो हमको ये देखना होगा कितना करंट लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है, और उसको देखते हुए वेवफॉर्म को ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे वी जीरो वन को हम लोग यहीं पर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग स्पेस अभी छोड़े हुए हैं वी जीरो वन के लिए, और यहाँ पर हम लोग आई जीरो वन ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस हम लोग को देखना होगा जो हम लोग इसके हेल्प से निकालेंगे। तो फाइव अगर लेस देन जीरो आया तो लीडिंग होगा, और अगर फाइव ग्रेटर देन जीरो आया तो ये लैगिंग होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जिसको नहीं पता है उसके लिए, ये फाइव लेस देन जीरो आने पर लीडिंग क्यों हो रहा है, ये जो मेरा फाइव है वो जेड का एंगल है। ठीक है, यहाँ पर जो निकाल रहे हैं एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ये जेड का एंगल होता है। हमको लीड या लैग करने के लिए वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल चाहिए, तो हम लोग क्या जानते हैं वी इक्वल टू या फिर आई इक्वल टू वी बाई जेड। ठीक है, जेड को फाइव के साथ लिखेंगे, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई जेड एंगल माइनस फाइव। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फाइव जब पॉजिटिव है तो आई और वी के बीच का एंगल जो है वो निगेटिव आ रहा है। मतलब कि अगर ए मेरा वोल्टेज है तो निगेटिव नीचे की ओर लेना होगा, इस डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं निगेटिव, और इस डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर ए माइनस फाइव, ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट यहाँ पर वोल्टेज से लैग कर रहा है। तो इसलिए जब फाइव मेरा पॉजिटिव आएगा तो केस होगा लैगिंग का, फाइव जब निगेटिव आएगा तो केस होगा लीडिंग का। यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, फाइव लेस देन जीरो कब होगा, जब एक्सी ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन होगा एक्सएल, और लैगिंग कब होगा, यहाँ पर लेस देन आने के लिए एक्सी ग्रेटर देन होना चाहिए, और जब एक्सएल बड़ा होगा तो ये लैगिंग होगा। एक्सएल जब बड़ा होगा तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, ये लैगिंग का केस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, R का वैल्यू 1 दिया हुआ था, XL का वैल्यू 6 और XC का वैल्यू 7 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से देखकर ही पता चल जाएगा कि मेरा जो वेवफॉर्म होगा करंट और वोल्टेज का वो लैगिंग होगा या फिर लीडिंग होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरा XL बड़ा है XC से, और जब XL बड़ा है XC से तो केस क्या होगा, लैगिंग का। ये मेरा XC है, सॉरी यहाँ पर XC ग्रेटर देन है XL। ठीक है, जब XC ग्रेटर देन है तो मेरा फिर केस यहाँ पर लीडिंग का होगा। ठीक है, यहाँ पर जो करंट होगा वो लीड करेगा वोल्टेज से। ठीक है, अब करंट और वोल्टेज का पीक वैल्यू अगर पता चल रहा है तो हम लोग इसको आसानी से ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा फोरियर सीरीज का। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म और यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो है ओवर डैम्पिंग और अंडर डैम्पिंग। तो अंडर डैम्पिंग जनरली हम लोग पता करते हैं, ओवर डैम्पिंग और अंडर डैम्पिंग के लिए हम लोग को जीटा निकालना पड़ता है, और जीटा क्या होता है, आर बाई टू अंडर रूट सी बाई एल, ये होता है सीरीज सर्किट के लिए, आर एल सी सीरीज के लिए। तो
ये तो ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो जनरली ज़्यादातर कंडीशन में जब XC ग्रेटर देन XL होता है तो केस होता है अंडर डैम्पिंग का, ये होता है अंडर डैम्पिंग का केस, और जब XL ग्रेटर देन XC हो जाएगा तो ये ओवर डैम्पिंग हो जाएगा। ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, हालांकि इसका यहाँ पर ज़्यादा कुछ यूज खास है नहीं। और अगर इस तरह से पता करें तो फिर हमको पता करना पड़ेगा जीटा क्या है, ग्रेटर देन वन है तो फिर ये ओवर डैम्पिंग हो जाएगा, और जीटा लेस देन वन है तो फिर अंडर डैम्पिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को बस इतना याद रखना है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं फोर्स करंट, फोर्स कम्यूटेशन और लोड कम्यूटेशन। तो जब इतना देख चुके हैं तो हम लोग यहाँ से ही थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ऊपर वाला केस लेते हैं, यहाँ पर जब कहने का मतलब है जब फाइव लेस देन जीरो रहे, या फिर केस लोडिंग लीडिंग का रहे, या फिर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल रहे, या फिर अंडर डैम्पिंग रहे, चारों में से अगर कुछ भी रहे तो मैक्सिमम केस में यहाँ पर फोर्स कम्यूटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कम्यूटेशन होगा, सेल्फ कम्यूटेशन इसको ध्यान में रखना है। सेल्फ कम्यूटेशन आगे क्या होता है जब हम लोग इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तब सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम सेल्फ कम्यूटेशन होता है, कुछ एक केस ऐसा होता है जहाँ पर फोर्स कम्यूटेशन हो सकता है जिसको हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करने के बाद ही समझेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर फोर्स कम्यूटेशन हो सकता है। और अगर हम इस केस का बात करें तो इस केस में मतलब कि जब फाई ग्रेटर देन जीरो, या फिर लैगिंग का केस हो, या फिर वी एल ग्रेटर देन एक्सी हो, या फिर ओवर डैम्पिंग, इस टाइप का कुछ भी गिवेन हो, तो यहाँ पर हमेशा 100% श्योर फोर्स कम्यूटेशन ही होना है, यहाँ पर फोर्स कम्यूटेशन का ही रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वेवफॉर्म पर, वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज का हेल्प करके हम लोग को सबसे पहले वी जीरो एन निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिटेल फोरियर सीरीज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग को रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वी जीरो एन जो होगा सॉल्व करने के बाद जो डायरेक्ट सॉल्यूशन उसका आएगा वो आएगा सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर के लिए, वो होता है 4Vs by n pi sin n omega t। ठीक है, जो वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, अगर उसको हम लोग हार्मोनिक्स के टर्म में लिखें या फिर फोरियर सीरीज को लेकर के जब इसको हम सॉल्व करें तो ए वैल्यू आएगा 4Vs by n pi sin n omega t। ये होता है सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर तो ये सिर्फ हाफ हो जाता है 2Vs बटा n pi sin n omega t, हालांकि इसका अभी हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग वी जीरो एन जब जान गए तो आसानी से वी जीरो वन पता कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हार्मोनिक्स होता है मेरा वो साइन के टर्म में आ रहा है। ठीक है, वो साइनोसॉइडल आएगा, तो अगर हम वन निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू वी एस का वैल्यू गिवेन था, वी एस का वैल्यू था 230 बाई एन का वैल्यू वन लेंगे 3.14 साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा वी जीरो वन। इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो ए हमको देता है 292.99। ठीक है, साइन ओमेगा टी हम लोग को ए पीक वैल्यू मिला है। ठीक है, पीक वैल्यू अगर यहाँ से वी जीरो वन आर में से अगर हम निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 292.99 डिवाइडेड बाई रूट टू, ये आर एम एस वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, और ए आएगा 207.17। ठीक है, तो अब हम लोग आसानी से वी जीरो वन ड्रॉ कर सकते हैं बहुत सारा हार्मोनिक्स को मिल करके। मेरा जो फाइनल वेवफॉर्म बनता है कुछ इस टाइप का मिलता है, तो जो फर्स्ट हार्मोनिक्स आ रहा है वो आ रहा है कुछ इस टाइप से।